भावनाएं भी जुड़ी हैं, लेकिन ये लड़ाई के दौरान छुपे छुपते थे सैनिक तो आराम से पता चल जाता। तो सेना में एक क्वालिटी होता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब होता है कि आप छुप सकते हैं, वातावरण के हिसाब से छुप जाना वो कैमोफ्लाज कहलाता है। तो ये कैमोफ्लाज में अच्छा सेट नहीं होता, इसलिए भारतीय सेना की ड्रेस को चेंज किया। ये झाड़ियों में, पत्थरों पे, रेगिस्तानों में कहीं भी अच्छे से सेटल हो सकता है। इसे डिजिटली हम लोग नया डिजाइन किए। इसे डिजाइन करने का काम जो किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई, इसने बनाया। ये काफी सोच समझ के इस ड्रेस को बनाया गया। ये ड्रेस काफी हल्का है, गर्मी के दिन में इससे ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, पसीना को वगैरह ज्यादा नहीं होगा। ठंडी के दिन में ना ही इसमें बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, यानी दोनों में इको फ्रेंडली हो जाएगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा। इस पर डिजिटल पैटर्न्स को बनाया गया है ताकि हर तरह जगहों में ये छुप जाए। 15 तरह के अलग अलग क्वालिटी के कपड़ों में से मर्ज करके इसे बनाया गया है, अलग अलग कैटेगरी के। ना ये सूती है, ना नाइलॉन है, ना कुछ है, एकदम स्पेशल कैटेगरी के 15 अलग अलग टाइप के हैं। 8 अलग अलग डिजाइंस हैं जिसमें इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें अलग अलग टाइप के 4 पैटर्न, 4 अलग अलग पैटर्न को मिला के इसे फाइनली बनाया गया है, जो इस बार फोकस किया गया था हमारे परेड पे, जो थल सेना का 26 जनवरी का परेड तो अभी बाकी है, थल सेना दिवस में जो परेड होता है उसमें इसे शामिल किया गया, तो वो इस टाइप का दिखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखे, दिखने में आपको अलग टाइप का लग सकता है कि हमें इस टाइप की ड्रेस देखने ज़्यादा चाहिए, लेकिन दुनिया के अन्य देशों से कंपेयर करके ही इसे बनाया गया। ये मॉडर्न आज के 21वीं सदी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें कई सारे चेंजेस हैं। पहले के लिए जो ड्रेस थे ये रेगिस्तान में छुपेंगे तो स्पष्ट दिख जाएंगे। दूसरा, इसमें इन करना होता था शर्ट को, और 3 बटन ही आपके दिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बटन नहीं दिख सकते। आप चाहे NCC किए होंगे या फिर सेना में होंगे तो 3 बटन ही ऊपर के दिखते थे। अब जो आएगा उसमें इन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे क्या है कि सेना वालों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, कहीं पहाड़ वगैरह पर चढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट अंदर रहेगा, आर्मी की बेल्ट बहुत जबरदस्त होती, बट इन करने का झमेला नहीं रहेगा। दूसरा, ये कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब अगल बगल के जगह के हिसाब से हमारा ड्रेस दिखता है या नहीं, तो कैमोफ्लाज के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, ये सैनिक पहाड़ के अंदर से, यहाँ पर US आर्मी का ये ड्रेस है, तो इसमें अगर हम लोग ये वाला ड्रेस पहन के अगर गए रहते हैं तो कैमोफ्लाज अच्छे से नहीं हो पाता। और देखेंगे पहाड़ी या रेगिस्तानी एरिया में ये वातावरण के हिसाब से ये बेहतरीन ढंग से कैमोफ्लाज कर गया, लेकिन अगर ये वाला ड्रेस यहाँ पे अगर फिट किया जाएगा तो देखिए इजीली ये डिटेक्ट हो जाएगा। इसलिए कैमोफ्लाज अच्छा हो सके, इसलिए आर्मी ने भी अपने ड्रेस को चेंज किया। हालांकि नेवी जा रहा है, उठ रहे देखिए काका जी ने कहा हो गया, बेचारा बंदूक छोड़ के अच्छी का गया, एक ठंडा मार दिया, तेरा उतना ऊंचाई पर ठंड में हम नहीं रह पाएंगे। अरे देखिए चिल्ला रहा है, मत चिल्ला, चुप, बंद कर, मुंह बंद कर, नहीं मारेंगे लोग, चुप, देख रहे हैं यहाँ। ये तो बताइए, 23 लाख फौजी कोने काम के जो नहीं जा सकते उनके जगह मशीन लगाया जा रहा है। और हमारे फौजियों को देखिए, जिन कुत्तों को ठंड लग रहा था, हमारे फौजियों को देखिए कि यहाँ पर बर्फ पे चढ़े हैं सर। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत करके पाकिस्तान को बर्फ में मार दिया सर। आज भी लाश मिलता है ना वहाँ पे, फ्रेश रहता है लाश, सोचिए 50 साल पुराना लाश भी फ्रेश रहता है, सोचिए कितना टेम्परेचर होगा, -56 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर भी भारतीय सैनिक वहाँ डटे रहते हैं, और इसकी अंतिम चोटी को सूबेदार बाना सिंह ने कब्जा किया।